अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेटजी नंबर 1, यूज़ वेस्टेड टाइम। ऑल ह्यूमंस वेस्ट सम टाइम। तमाम इंसान कुछ वक्त ज़ाया करते हैं। दे फेल टू यूज़ इट प्रोडक्टिवली। वो इसको प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करने में नाकाम रहते हैं। सम टाइम्स बाज़ औक़ात दे आल्सो वरी अबाउट द टाइम गॉन। वो वक्त जाने की भी फिक्र करते हैं। देर इज़ नीड टू टेक द एडवांटेज ऑफ सच टाइम। ऐसे वक्त का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। द बेस्ट यूज़ इज़ द प्रैक्टिसिंग क्रिटिकल थिंकिंग। इसका बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग की प्रैक्टिस की जाए। फॉर दिस यू माइट आस्क यूर सेल्फ क्वेश्चन लाइक दिस। इसके लिए आप खुद से ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। मतलब यूज़ वेस्टेड टाइम का क्या मतलब है? जो हम वक्त अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़ाया कर रहे होते हैं, उस वक्त को हमें यूज़ करना चाहिए। किस काम के लिए यूज़ करना चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग की प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग की, उतनी ही ज़्यादा हम बेहतरीन क्रिटिकल थिंकर बन सकते हैं। तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो वक्त उनका ज़ाया होता है, वो बाद में बैठ कर सोचते हैं कि वक्त मैंने ज़ाया कर दिया, मैंने वक्त कहाँ पे ज़ाया कर दिया, काश इस वक्त की जगह में मैं कोई और काम कर सकता। कहते हैं वो जैसे शेर है, जो वक्त गुजर गया कारत, अफसोस हुआ खजाना गारत। तो सेम वही कंडीशन आ जाती है यहाँ पर। फॉर दिस यू माइट आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन लाइक दिस। इसके लिए आप खुद से ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। When did I do my worst thinking today? When did I do the best thinking today? What in fact did I think about today? कि मतलब क्या मैंने आज worst thinking क्या की थी, best thinking क्या की थी, actually में मैंने आज thinking की क्या थी, क्या मैंने कोई चीज़ figure out की थी या नहीं figure out की थी, negative thinking तो नहीं की थी। ये सारे questions आप अपने आप से पूछ सकते हैं। Strategy number 2 है हमारे पास, आ problem आ डे, एक प्रॉब्लम एक दिन। ईच डे चूज़ अ प्रॉब्लम टू वर्क विद इन फ्री टाइम। हर दिन हमें फ्री टाइम में काम करने के लिए कोई एक प्रॉब्लम ले लेनी चाहिए या कोई एक मसला मुंतखब कर लेना चाहिए। फिगर आउट द लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम बाय आइडेंटिफाइंग इट्स एलिमेंट्स। इसके एलिमेंट्स को फिगर आउट करें, इसके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके मसले की लॉजिक का पता लगाएं। इन अदर वर्ड सिस्टमेटिकली थिंक थ्रू द क्वेश्चंस लाइक। दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं कि आप इन क्वेश्चंस के बारे में सिस्टमेटिकली थिंक करें, सोचें। व्हाट एग्जैक्टली इज़ द प्रॉब्लम, कि असल में प्रॉब्लम है क्या। हाउ कैन आई ट्रांसफॉर्म इट इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन, कि मैं अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से क्वेश्चन की शेप दे सकता हूँ। हाउ डज़ इट रिलेट टू माई पर्पस, ये मेरे पर्पस से किस तरह से रिलेट करती है या ये मेरे मकसद के साथ किस तरह से रिलेट करती है। कॉमनली द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड, स्टेट द प्रॉब्लम एज क्लियरली एंड प्रिसाइसली एज पॉसिबल। स्टडी द प्रॉब्लम टू मेक क्लियर द काइंड ऑफ द प्रॉब्लम यू आर टू डील विथ, के प्रॉब्लम को स्टडी करके ये चीज़ को सोचें कि ये प्रॉब्लम की काइंड कौन सी है। क्लियर करें अपने माइंड में कि आपकी असल में ये चीज़ प्रॉब्लम की काइंड है कौन सी, आप किस प्रॉब्लम के साथ डील करना चाह रहे हैं। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप किस प्रॉब्लम के साथ डील करना चाह रहे हैं, तो फिर आप इजीली उस प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को फिगर आउट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इनफैक्ट बेस्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। डिसाइड अबाउट द इन्फॉर्मेशन यू नीड एंड एक्टिवली सीक दैट इन्फॉर्मेशन, केयरफुली एनालाइज एंड इंटरप्रेट द कलेक्शन इन्फॉर्मेशन, द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन टू ड्रॉ रीजनेबल इन्फ्रेंसेज, वैल्यूएट डिफरेंट ऑप्शंस कंसीडरिंग देयर स्टेटस इन द सिचुएशंस यू आर इन, क्या आप जिस सिचुएशन में उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं उन सबको कंसीडर करें। अडॉप्ट अ स्ट्रेटजिक और रिवाइज्ड इट अप्रोच टू द प्रॉब्लम फॉलोइंग इट्स रूल टू फाइंड द सॉल्यूशन। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास जिनके बारे में हमें सिस्टमेटिकली थिंक करना चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रेटजी नंबर 3, इंटरनलाइज इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स। वीकली डेवलप अ हाइटेंड अवेयरनेस ऑफ वन द यूनिवर्सल इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड। अब यूनिवर्सल इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स के बारे में हमें शोर उजागर करना चाहिए, मतलब हमें अवेयर रहना चाहिए कि क्या हमारे यूनिवर्सल इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या हमें उनके बारे में अवेयर रहना चाहिए। सच स्टैंडर्ड्स एनकंपास क्लैरिटी, प्रिसेशन, एक्यूरेसी, रेलेवेंस, डेप्थ, ब्रेथ, लॉजिकलनेस, सिग्निफिकेंस एक्सेट्रा। इस तरह के मियार में वजाहत आ जाती है, मतलब क्लैरिटी आ जाती है, दुरुस्तगी आ जाती है, मुताबकत आ जाती है, रेलिवेंसी आ जाती है, गहराई आ जाती है, वुस्सत आ जाती है, लॉजिक आ जाती है और सिग्निफिकेंस आ जाती है। सिग्निफिकेंस मतलब अहमियत। ये सारी की सारी चीज़ें इस मियार में शामिल हैं या इन स्टैंडर्ड्स में शामिल हैं। फोकस वन वीक ऑन क्लैरिटी, एक वीक आप लोग अपने क्लैरिटी पे फोकस करें। द नेक्स्ट ऑन द एक्यूरेसी, नेक्स्ट वीक एक्यूरेसी पे एंड अप टू सोन, और इसी तरह से एक एक वीक लगाते जाएं सब पे। जैसे पहला वीक हमने क्लैरिटी पे तवज्जो दे दी, अगले वीक में हमने एक्यूरेसी पे तवज्जो दे दी कि दुरुस्तगी क्या है, हमारी प्रॉब्लम जो है उसकी दुरुस्तगी क्या है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, उसका प्रिसेशन क्या है।
When you focus on clarity, try to notice when you are being unclear in communicating with other. जब आप फोकस कर रहे हैं क्लैरिटी पे, तो आप कोशिश करें ये बात नोटिस करें कि कब आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हुए अनक्लियर हो जाते हैं, मतलब गैर वाजे हो रहे होते हैं. तो आप ये इस चीज़ को नोटिस करें कि किस टाइम पे आपके साथ ऐसा होता है. आल्सो नोटिस व्हेन अदर्स आर अनक्लियर इन वर्ड से, और ये भी नोटिस करें कि अगला बंदा जो आपसे बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, वो किस टाइम पे आपके साथ अनक्लियर हो रहा है, या उसकी बात आपको कब नहीं समझ में आ रही. सिमिलरली एनश्योर यू क्लैरिफिकेशन व्हाइल रीडिंग अ टेक्स्ट. Express yourself orally or in written. जब आप दूसरों से बातचीत करते हैं तो भी, अगर दूसरे आपसे बातचीत कर रहे हैं तो भी उन्हें गैर वाजिया हो रहे हैं, तो भी आप ये चीज़ नोटिस करें. ये भी नोट करें कि जब दूसरों की बातें गैर वाजिया हैं, किसी टेक्स्ट को पढ़ते हुए वजाहत को यकीनी बनाएं. मतलब कोई भी चीज़ आप रीड कर रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट आप रीड कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसको क्लियर करें कि क्या आपको वो बात वाकई समझ में आ रही है. क्लैरिफिकेशन है उसकी. एनश्योर यू क्लैरिफिकेशन व्हाइल रीडिंग अ टेक्स्ट. एक्सप्रेस योरसेल्फ ऑरली और इन रिटन. अपने आप को वाजिया तौर पर या तहरीरी तौर पर इजहार करें, मतलब एक्सप्रेस करें. ऑरली भी एक्सप्रेस करें या फिर रिटन भी एक्सप्रेस करें तहरीरी तौर पर. Consider four techniques of the clarification while doing so. State what you want to show explicitly and precisely with a careful choice of words. कि आप जो बात कर रहे हैं उस बात करने के लिए आपको किस तरह के अल्फाज उठाने हैं, आपको किस तरह से अगले बंदे से बात करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए. Elaborate your meaning in other words. आपको दूसरे अल्फाज में अपने बात को समझाना आना चाहिए, उसको elaborate करना आना चाहिए. Give examples of what you mean from experience you have. आपको अपने जो भी आपको एक्सपीरियंस है, जितना भी आपको तजर्बा है, उससे आपको एग्जांपल्स देनी आनी चाहिए. यूज़ एनालॉगीज, मेटाफोर्स, पिक्चर्स और डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट व्हाट यू मीन. आप अपनी बात समझाने के लिए, अगले बंदे को समझाने के लिए आप पिक्चर्स डायग्राम्स भी यूज़ कर सकते हैं. इन शॉर्ट यू नीड टू स्टेट, एलैबोरेट, एग्जाम्पलीफाई एंड इलस्ट्रेट योर पॉइंट्स. कि आपको अपने पॉइंट्स को, अगर मुख्तसरन बात की जाए तो क्या कहते हैं कि आपको अपने पॉइंट्स को स्टेट करने की ज़रूरत है. स्टेटमेंट मतलब जैसे हम थ्योरम्स करते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है और एक प्रूफ होता है. तो वो स्टेटमेंट क्या करती है, वो पूरी बात को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखी होती है, वो हमारी स्टेटमेंट होती है. एलैबोरेट करें कि मतलब उसको एक्सप्लेन करें, एग्जाम्पलीफाई उसकी एग्जाम्पल्स दें, एंड इलस्ट्रेट योर पॉइंट्स, अपने पॉइंट्स को इलस्ट्रेट करें. कीप एन इंटेलेक्चुअल जर्नल. राइट आउट अ सर्टेन नंबर ऑफ द जर्नल एंट्रीज. ओके, फॉलोइंग फॉर्मेट मे बी हेल्पफुल. कि ये जो आपके पास फॉर्मेट अभी दिया हुआ है, ये हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो कि आप किस तरह से सर्टेन नंबर ऑफ जर्नल एंट्रीज को लिख सकते हैं, ठीक है. डू नॉट फॉरगेट टू कीप ईच स्टेज सेपरेट. सिचुएशन, डिस्क्राइब अ सिचुएशन दैट वाज इमोशनली सिग्निफिकेंट टू यू दैट यू डीपली केयर अबाउट. कि आप सबसे पहले तो अपनी सिचुएशन को डिस्क्राइब करें इमोशनली, ठीक है, डीपली. फोकस ऑन वन सिचुएशन ऑन वन टाइम. एक वक्त में एक सिचुएशन पर फोकस करें. सेकेंड पॉइंट है हमारे पास रिस्पॉन्स. डिस्क्राइब वट यू डिड टू रिस्पॉन्स टू दैट सिचुएशन. बी शार्प, स्पेसिफिक एंड एग्जैक्ट. कि जो भी आपकी सिचुएशन है आपने उसको रिस्पॉन्स करना है. रिस्पॉन्स ऐसा करना है कि आपका रिस्पॉन्स शार्प होना चाहिए, स्पेसिफिक भी हो और एग्जैक्ट भी हो, जैसे कहते हैं टू द पॉइंट हो. एनालाइज द सिचुएशन प्रिसाइजली इन द लाइट ऑफ योर एक्सपीरियंस. अपने एक्सपीरियंस में, अपने तजर्बे के मुताबिक अपनी प्रॉब्लम को, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करें. इट इज़ सजेस्टेड टू डिग बीनीथ द सरफेस असेसमेंट, असेस द इम्प्लीकेशंस ऑफ योर एनालिसिस. आपने जो भी आपका एनालिसिस है उसके इम्प्लीकेशंस को असेस करें. व्हाट यू लर्नड अबाउट योर सेल्फ, आपने अपने बारे में क्या सीखा. व्हाट यू वुड डू डिफरेंटली इन केस ऑफ द रेपिटेशन ऑफ द सेम सिचुएशन. कि अगर यही सिचुएशन दोबारा से आ जाती है तो आप क्या मुख्तलिफ कर सकते हो उस सिचुएशन के साथ. ठीक है, नेक्स्ट है रीशेप योर करेक्टर. कि अपने करेक्टर को रीशेप करें. चूज़ वन इंटेलेक्चुअल ट्रेट आउट ऑफ द मेनी इंटेलेक्चुअल. प्रिजर्वेंस, ऑटोनॉमी, एम्पैथी, करेज, ह्यूमिलिटी एक्सेट्रा टू स्ट्रगल फॉर ईच मंथ. हर मंथ आपको स्ट्रगल करने से आप एक अपनी इंटेलेक्चुअल ट्रेट ले लें, ठीक है. एक एक मंथ हर एक पे लगाते जाएं और अपना करेक्टर जो है उसको रीशेप आप ईजिली कर सकते. फोकस ऑन हाउ यू कैन डिवेलप द ट्रेट इन यूर सेल्फ. इस चीज़ पे भी फोकस करें कि आप किस तरह से अपने अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कर सकते हैं, ट्रेट को डेवलप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, कंसंट्रेट ऑन इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी. बिगिन टू नोटिस व्हेन यू एडमिट यू आर रॉन्ग. अगर आपने कोई बात गलत कह दी है तो आप उसको एडमिट करने का भी हौसला रखें कि आप ठीक है, आप एडमिट कर सकें कि हाँ ठीक है, हो गई मेरे से गलती हुई. आल्सो नोटिस व्हेन यू रिफ्यूज़ टू एडमिट यू आर रॉन्ग.
ये भी नोटिस करें कि जब आप अपनी बात एडमिट करने से रिफ्यूज़ करें, इनकार करें, तब आप गलत हैं, यू आर रॉन्ग. नोटिस व्हेन यू बिकम डिफेंसिव व्हेन समवन पॉइंट्स आउट अ डेफिशिएंसी इन योर थिंकिंग और योर वर्क. नोटिस व्हेन योर इंटेलेक्चुअल एरोगेंस कीप्स यू फ्रॉम लर्निंग. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू से टू योरसेल्फ आई ऑलरेडी नो एवरीथिंग. ठीक है, जब आप कोई बात हो रही है, आप अपने आप से कहते हैं यस आई ऑलरेडी नो एवरीथिंग, आई नीड टू नो अबाउट दिस सब्जेक्ट. सिमिलरली आई नो एज मच एज ही डज, कि मुझे अगले बंदे से ज़्यादा नॉलेज है, मुझे पता है. व्हेन ही इज़ फोर्सिंग हिज ओपिनियन ऑन मी बाय ऑनिंग यू इग्नोरेंस यू कैन री शेप योर करेक्टर. तो जब आप इस चीज़ से निकलेंगे कि यस मुझे सारा कुछ पता है, क्योंकि हर इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता. ठीक है, इवन अगर टीचर्स हैं तो टीचर्स भी सीखती हैं टाइम के साथ साथ, हर बंदा सीखता है. इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, आप अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखते जाते हैं. तो इस तरह से आप अपने करेक्टर को भी रीशेप कर सकते हैं. डू विद यू ईगोसेंट्रिज्म. ईगोसेंट्रिस्ट इन ह्यूमन नेचर टू थिंक विद एन ऑटोमेटिक सब कॉन्शियस बायस इन फेवर ऑफ योर सेल्फ. यू कैन बिगिन टू ऑब्जर्व You are egocentric thinking on daily basis. Following questions may be useful to note the egocentrism attentively. जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें अपने बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती है, और हम अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं. ठीक है, हमने कोई डिसीजन लिया, हम कहते हैं क्या ये डिसीजन लेने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या ये मेरे फ़ायदे की बात है, और हम अपने आप को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. और हमें देखना चाहिए कि क्या हमें अपनी ईगो को कंट्रोल करना है या इसे और ज़्यादा बढ़ाते जाना है. ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं. फॉलोइंग क्वेश्चंस में भी यूजफुल टू नो द ईगो सेंट्रिज्म अटेंटिवली. ये क्वेश्चंस हमारे लिए यूजफुल रहते हैं. अंडर विच सिंकम टांसिस डू आई थिंक विद अ बायस इन फेवर ऑफ माई सेल्फ. कितनी चीज़ों में मैं खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, और क्या मैं अपने बारे में ज़्यादा सोचती हूँ, और कितनी चीज़ों में मैं अपने बारे में ज़्यादा सोचती हूँ. डिड आई एवर बिकम इरिटेबल ओवर स्मॉल थिंग्स. क्या मैं छोटी छोटी चीज़ों पर या छोटी छोटी बातों पर इरिटेट तो नहीं हो जाती, मैं किस तरह से रिएक्ट करती हूँ. डिड आई अटैम्प्ट टू इम्पोज माई ओपिनियन ऑन सॉरी डिड आई से और डू एनीथिंग इरेशनल टू गेट माई वे. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बगैर सोचे समझे कर जाती हूँ. ठीक है, मतलब मुझे सोचना समझना नहीं पता, विदाउट एनी थिंकिंग मैं वो बात कर लेती हूँ या मैं वो काम कर लेती हूँ. डिड आई अटैम्प्ट टू इम्पोज माई ओपिनियन ऑन अदर. क्या मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरी बात कही गई है सिर्फ वही बात मानी जाए, और इसको इसकी जगह पे किसी और की बात ना मानी जाए. मतलब अपनी बात को किसी और के बात के ऊपर इम्पोज कर देना. ठीक है, कि मतलब अगले बंदे की राय नहीं माननी, बस जो मैंने कह दिया है ठीक है, फुल एंड फाइनल. डिड आई से समथिंग एंड देन फॉल रिसेंटमेंट. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपने कोई बात कही और बाद में आपको रिग्रेट फील होता है कि काश मैंने ऐसी बात ना की कही होती, या काश मैंने ऐसा ना किया होता. इफ़ यू आइडेंटिफाई ईगो सेंट्रिक थिंकिंग इन ऑपरेशन यू ऑल्सो नीड टू थिंक द फॉलोइंग लाइन्स. वट वुड अ रैशनल पर्सन फील इन दिस और दैट सिचुएशन. यानी अगर कोई सिचुएशन में होता मेरी जगह तो वो क्या करता. ठीक है, अगर कोई मेरी जगह इस सिचुएशन में होता तो करता, वो किस तरह से रिएक्ट करता, वो खुद को फेवर करता या वो खुद को फेवर ना करता. वट वुड अ रैशनल पर्सन डू इन दिस और दैट सिचुएशन. एक समझदार इंसान ऐसी सिचुएशन में क्या करता, वो किस तरह से बिहेव करता. ठीक है, मतलब आप अपने आप को ये भी बताएं कि आप सोचें कि आपको असल में करना क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, और आप इस टाइम पर क्या कर रहे हैं. हाउ डिड दिस कंपेयर विद वट आई वॉन्ट टू डू. इस तरह से हम खुद को इन डूइंग ऑल द अबव बी क्लियर एंड शार्प टू अवॉइड सेल्फ डिसेप्शन. मतलब अगर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की हैं, तो हम क्या होते हैं, हम सेल्फ डिसेप्शन से बच जाते हैं. ठीक है, हमारी थिंकिंग क्लियर हो जाती है, हमारी थिंकिंग शार्प हो जाती है, और हम खुद को धोखा देने से भी बच जाते हैं. नंबर 7, स्ट्रेटजी रीडिफाइन द वे यू सी थिंग्स. इन दिस वर्ल्ड एवरी सिचुएशन इज़ डिफाइंड. इस दुनिया में हर सिचुएशन डिफाइंड है. द डेफिनेशन ऑफ द सिचुएशन डिटरमाइंस हाउ वी फील एंड रिएक्टेड. कि हम किस तरह से फील करते हैं, हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं. विचुअली एवरी सिचुएशन कैन बी डिफाइंड इन मोर देन वन वे. हर सिचुएशन को एक से ज़्यादा वेज में डिफाइन किया जा सकता है. दिस फैक्ट क्रिएट्स ट्रिमेंडियस अपॉर्चुनिटीज टू डिफाइन ईच सिचुएशन इन अ वराइटी ऑफ वेज. ये हकीकत जो है हमें ये अपॉर्चुनिटी देती है, ये हमें चांसेस देती है कि हम एक ही सिचुएशन को एक से ज़्यादा वेज में डिस्क्राइब कर सकें या इलेबोरेट कर सकें. यानी आपके देखने का अंदाज चेंज
कर सकता है कि पूरी सिचुएशन को, कि असल में सिचुएशन है क्या, कि आपके देखने का अंदाज़ क्या है, आपके देखने का अंदाज़ क्या पॉजिटिव है या क्या आपके देखने का अंदाज़ नेगेटिव है। नेगेटिव डेफिनेशंस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पॉजिटिव वन। सैडनेस कैन बी रिप्लेस विद हैप्पीनेस, के नेगेटिविटी आपकी पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है, सैडनेस आपकी हैप्पीनेस में चेंज हो जाती है। इन दिस स्ट्रेटजी वी रीडिफाइन द वे यू सी थिंग्स, टर्निंग नेगेटिव्स इनटू पॉजिटिव, डेड एंड्स इनटू न्यू बिगिनिंग्स, मिस्टेक्स इनटू अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। कहते हैं गलती से इंसान हमेशा सीखता है, ठीक है। हमें अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं, हम हार जाते हैं, अगला बंदा जीत जाता है, तो हमें उस चीज़ पे मायूस नहीं होना चाहिए, हमें उस चीज़ से सबक लेना चाहिए, हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। ठीक है, फॉर सक्सेस ऑफ दिस स्ट्रेटजी वी शुड अडॉप्ट सम स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर आवर सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेंड टू वरी अबाउट द प्रॉब्लम्स बोथ द वंस यू कैन डू समथिंग अबाउट एंड दोज दैट यू कांट, यू कैन रिव्यू द थिंकिंग इन दिस नर्सरी रेम। फॉर एवरी प्रॉब्लम अंडर द सन देर इज अ सोल्यूशन एंड देर और देर इज नन। इफ देर be one thing till you find it, if there is none then never mind it। ठीक है, मतलब आप अपने इमोशंस के साथ भी डील कर सकते हैं कि आपके इमोशंस क्या हैं, आप अपने इमोशंस से कितने ज़्यादा इन टच हैं। आपको ये भी देखना होगा कि आपके इमोशंस पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अगर नेगेटिव हैं तो ऐसा क्यों है, आपके इमोशंस नेगेटिव क्यों हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, बहुत कॉमन एग्जांपल है हमारे पास। कहते हैं एक गिलास है, उसके अंदर हाफ ग्लास वाटर है, ठीक है। तीन लोग हैं, एक कहता है कि हाफ गिलास खाली है, दूसरा कहता है हाफ गिलास भरा हुआ है। तो क्या हुआ, दोनों के देखने का नज़रिया अपना अपना है। एक ने कहा आधा गिलास खाली है, दूसरा कहता है आधा गिलास भरा हुआ है, तीसरा कहता है ठीक है जो भी है डजंट मैटर। तो होगा क्या, एक की थिंकिंग देखो नेगेटिव है कि आधा ग्लास खाली है, जिसने कहा आधा ग्लास भरा हुआ है वो पॉजिटिव वे देख रहा है कि ग्लास के अंदर पानी है और आधा ग्लास भरा हुआ है, ठीक है। तो उसने पॉजिटिव वे देखा, ना कि उसने ये देखा कि आधा ग्लास खाली है। तो यही डिफरेंस आ जाता है मुख्तलिफ तरह के लोगों में। कुछ लोग की इमोशंस पॉजिटिव होते हैं, थिंकिंग पॉजिटिव होती है, कुछ लोगों के नेगेटिव होते हैं, कुछ लोग कहते हैं ठीक है चल सो चल। स्ट्रैटेजी नंबर 8, गेट इन टच विद योर इमोशंस, कि आपको अपने इमोशंस के साथ इन टच रहना चाहिए। व्हेनेवर यू फील सम नेगेटिव इमोशन, सिस्टमेटिकली आस्क योरसेल्फ व्हाट एग्जैक्टली इज द थिंकिंग लीडिंग टू दिस इमोशन। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर एंग्री, आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द थिंकिंग मेकिंग मी एंग्री, व्हाट अदर वेज कुड आई थिंक अबाउट द सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, कैन आई थिंक अबाउट द सिचुएशन सो एज टू सी द ह्यूमर इन इट। इफ यू कैन कंसंट्रेट ऑन दैट थिंकिंग देन योर इमोशंस इवेंचुअली विल शिफ्ट टू द मैजिक। तो आपको अपने इमोशंस के साथ इन टच रहना चाहिए। जब भी आपको नेगेटिव इमोशन फील कर रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि असल में मसला है कि असल में मैं ऐसे थिंकिंग क्यों है, ठीक है, ऐसा इमोशन क्यों है मेरा। फॉर एग्जांपल, अगर आप नाराज़ हैं तो अपने आप से ये पूछें कि ऐसा क्या मैटर हुआ था कि जिस मैटर की वजह से मैं नाराज़ हूँ, ऐसी क्या थिंकिंग है जिसकी वजह से मैं नाराज़ हूँ, ठीक है। तो वही बात आ जाती है जैसा अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि अगर आपकी थिंकिंग नेगेटिव है तो वो नेगेटिव क्यों है, अगर पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नेगेटिव थिंकिंग पे जा रहे हैं तो आप ये सोचें, इस बात पे कंसंट्रेट करें, इस बात को एलैबोरेट करें अपने माइंड के अंदर कि ऐसा क्यों है, व्हाई थिंक सो नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास स्ट्रेटजी नंबर 9, एनालाइज ग्रुप इन्फ्लुएंस ऑन योर लाइफ, कि आपकी लाइफ पे ग्रुप इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा मैटर रखता है। आपकी लाइफ में कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर रखती है, आप किस तरह के लोगों में उठ बैठ रहे हैं, आप किस तरह के लोगों के साथ खा पी रहे हैं, ठीक है, आप किस तरह के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, ये चीज़ आपकी पूरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्लोजली एनालाइज द बिहेवियर दैट इज़ एनकरेज्ड और दैट इज़ डिसकरेज्ड इन द ग्रुप यू टू विच यू बिलोंग, क्या आप जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं क्या वो आपको इनक्रेज करते हैं या डिसकरेज करते हैं। फॉर एनी गिवन ग्रुप, व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू बिलीव, व्हाट यू आर फॉरबिडन टू डू, एवरी ग्रुप एनफोर्सेस सम लेवल ऑफ द कंफर्मिटी ऑन इट्स इंडिविजुअल्स। मोस्ट पीपल लिव मच टू मच within the view of themselves projected by others, discover what and show you are facing and think explicitly about whether or not reject that pressure. क्या आप अगर अच्छे तरह के लोगों में बैठ रहे हैं तो ठीक है, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग भी बहुत अच्छे से डिवेलप होगी, वो आपको बताएंगे कि हाँ ऐसे है ऐसे ऐसे, आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेगा। जो आपका नज़रिया बदलता है चीज़ें देखने का, तो फिर आपकी उतनी ही ज़्यादा थिंकिंग शार्प होती है और क्लियर होती है, मतलब आप के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही होती है। जब आप अच्छी तरह के सोहबत वाले लोगों में नहीं उठते बैठते,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेगेटिव थिंकिंग के लोग हो जाते हैं तो क्या होगा, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, कि आप एक अच्छे क्रिटिकल थिंकर नहीं बन सकते। तो इस वजह से आपकी ज़िंदगी में ग्रुप इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा मैटर रखता है, कि आपके अंदर ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा मैटर रखती है, आप किस तरह की ग्रुपिंग में बैठ रहे हैं, आपकी कंपनी क्या है क्या नहीं। कंक्लूजन, द की पॉइंट टू कीप इन माइंड व्हाइल डिवाइसिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रेटजीज इज दैट यू आर एंगेज्ड इन अ पर्सनल एक्सपेरिमेंट, यू आर टेस्टिंग आइडियाज इन योर एवरीडे लाइफ, यू आर इंटीग्रेटिंग सच आइडियाज एंड बिल्डिंग ऑन देम इन द लाइट ऑफ योर एक्चुअल एक्सपीरियंस। हमें अपनी रीजनिंग इम्प्रूव करने का चांस मिलता है, ठीक है। हमें अपने आप को पर्सनली एक्सपीरियंस जो हम करते हैं कि हम कोई चीज़ है हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम अपने आप को पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, इस चीज़ से भी इंगेज करने का चांस मिलता है। हमें अपने आइडियाज़ को डेली लाइफ में टेस्ट करने का चांस मिलता है कि हम, ठीक है, यू आर इंटीग्रेटिंग सच आइडियाज़ एंड बिल्ड ऑन देम इन द लाइट ऑफ योर एक्चुअल एक्सपीरियंस। क्या जो एक्चुअल एक्सपीरियंस कर चुके हैं आप उस चीज़ में उन आइडियाज़ को देख सकते हैं, उन आइडियाज़ को बिल्डअप कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, स्ट्रेटजीज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।